ओम शांति। आज हम लोग 29 मई 1970 की अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं और आज की मुरली में बाबा ने समीप रत्नों की निशानियाँ, बाबा कई बार कहते हैं कि समीप होना अर्थात बाप समान, बाबा जैसा। हालांकि कई बार बाबा गोल्डन चेन्स की बात करते हैं, समीप बनने की इस जर्नी में कई बार गोल्डन चेन्स हमें अपने कब्जे में करने का प्रयास करती हैं। लाइक व्हाट? जैसे ब्रह्मा कुमारीज एक बात हुआ और एक है शिव बाबा का ज्ञान, है ना। तो अगर एक सच्चाई एक्सेप्ट की जाए तो सेवा के क्षेत्र में, या यूं कह लीजिए कि सेवा को अगर मिसअंडरस्टूड कर लिया तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये बात आ जाएगी कि मैं ही सबसे ज़्यादा सेवा करूं, राइट? सेवा की भावना रखने के लिए बाबा ने सदा कहा है, जैसे बाबा कल्याणकारी वर्ड यूज़ करते हैं और कहते हैं कि मैं कल्याणकारी हूं और तुम्हें मददगार बनना है, राइट? लेकिन अगर मैंपन समाप्त नहीं हुआ, अभिमान समाप्त नहीं हुआ, नाम मान शान को अगर हम लोगों ने कमाई का नाम देना बंद नहीं किया कि हाँ लोग अप्रिशिएट करें, तारीफ करें, वो तो विनाशी है। जब तक शरीर में रहेंगे तब तक मिलेगा, चले जाएंगे तो वो खुशी साथ में नहीं जाने वाली है। लेकिन किसी अन्य आत्मा को अपने मन, वचन या कर्म से शांति दे दी, सुख दे दिया, खुशी दे दी, जीवन बदल दिया। बाबा ने कहा ना आज की मुरली में कि गरीबों को अमीर बना दिया, मतलब जो कल मुरली आने वाली है। अभी जस्ट रिकॉर्ड किया तो आई नो कि बाबा ने कहा गरीबों को अमीर बनाने की सेवा है ना, ये सबसे बड़ी सेवा है। और रिपीट बाबा ये चीज़ आए दिन करते हैं ये बात। तो अगर किसी आत्मा को अंदरूनी शांति दे दी तो वो सबसे बड़ी शांति मानी जाएगी, सबसे बड़ी कमाई मानी जाएगी, जो कि हम बेशक इस शरीर को छोड़ दें तो भी हमारे साथ ट्रैवल करेगा। तो बाप समान बन कर के सेवा, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कि कहीं कदम पड़े तो जैसे कोई व्यक्ति परफ्यूम लगा करके आता है तो खुशबू रुक नहीं सकती, वो फ्रेग्रेंस रुक नहीं सकता, ऐसे ही वो शांति हमारे मन, वचन और कर्म से रेडिएट हुए बिना रह ना पाए। सच्ची सेवा ये है। तो आज बाबा वही कहते हैं कि समीप रत्न अर्थात समान बनना, बाबा जैसा। बाबा कहते हैं इसके लिए जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो फर्स्ट डे का लेसन प्रैक्टिकल होना है, यानी शरीर और आत्मा बिल्कुल डिफरेंट अनुभव हो। मैं आत्मा, हम जितना इस चीज़ को हल्का समझते हैं ये उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिस डिमांड करता है। याद करना मतलब ये याद रखना कि मैं आत्मा हूँ, और शायद इसीलिए बाबा भोजन के ऊपर स्पेशल एम्फोसिस देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम वाणी में आ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं या कुछ सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो आत्मा समझ पाना कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर भोजन कर रहे हैं तो उस समय कर्म इंद्रिय तो इस्तेमाल हो ही रही है, साथ में बाबा को याद करना इज़ कंपैरेटिवली ईजियर, और वो भोजन पवित्र हो करके अंदर कोई अपवित्रता जाने से हम रोक भी लेंगे। सो युक्ति युक्त याद की भी बाबा ने यात्रा हम लोगों को सिखाई है। बाबा ने कहा कि ये पुरुषार्थी शरीर मर्ज हो जाएगा और भविष्य की जो स्थिति है, भविष्य का जो संपूर्ण स्वरूप है, वो इमर्ज हो जाएगा अगर संपूर्ण बन रहे हैं, समीप बन रहे हैं। बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में लोग विल कर देते हैं, विल कर देते हैं ना अपनी प्रॉपर्टी, अपना कुछ भी बिजनेस एट्सेट्रा, और फिर फ्री हो जाते हैं, है ना, कि अब सामने वाला जिम्मेदार है। तो आज की मुरली में तो बाबा ने क्लियरली बोल दिया ना कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिस्पॉन्सिबल बाबा है। बाबा जाने, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। बाबा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, गारंटी करता है, कब? जब हम उनको याद करते हैं, है ना। वर्षा जो मिलना है, जो शक्ति मिलनी है, उसे याद करते हैं।
बाबा ने कहा फास्ट वर्ड जो है उसके दो अर्थ होते हैं, एक होता है फास्ट रखना है ना, और एक है फास्ट जल्दी जल्दी। तो बाबा ने कहा तुम्हें दोनों फास्ट करना है। पहली बात, व्रत में ये याद रहे कि एक बाप दूसरा ना कोई, इस बात का व्रत ले लो, फास्ट कर लो, और पुरुषार्थ में स्पीड रखो, जल्दी से अपने विकर्मों को छोड़ते जाओ, कमी पता चले चेक किया और चेंज किया, पता चल गया परिवर्तन कर लिया। बाबा ने कहा नॉलेज के आधार पर विघ्न हटाकर सदैव माया पर विजय प्राप्त करना है। फरमान बदार मतलब जिनका संकल्प भी फरमान के बिना नहीं चल सकता। एक तो श्रीमत मोटे रूप से हम समझते हैं अमृत वेला है ना, खाना पीना, शाम का मेडिटेशन, रात को जल्दी सोना, पोता मेल करना एट्सेट्रा। बाबा कह रहे हैं फरमान बदार में संकल्प भी श्रीमत के बिना नहीं आएगा, थॉट भी श्रीमत के बिना नहीं आएगा। ब्रह्मा बाबा कितना ट्रांसपेरेंट थे है ना, आए दिन कहते हैं कि भोजन करते वक्त मैं भूल जाता हूँ, जब वो पुरुषार्थी थे है ना, बाबा वो ट्रांसपेरेंट क्लियर थे, स्पष्ट थे, इसीलिए सरल थे। वही स्पष्टता रखना है। बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया और इससे फिर हम एंड करते हैं कि जैसे वल्लभाचारी का जो एसोसिएशन है, हालांकि मुझे इनका उतना नॉलेज नहीं है, बट बाबा ने बताया है कि वो अपने शिष्यों को छूने भी नहीं देते थे, अगर कोई छू लेता तो उसे स्नान फिर कराया जाता था, कोई भी अछूत मतलब टच नहीं कर सकता था, अनटचेबल काइंड ऑफ। बाबा ने कहा वो तो फिजिकल करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट कभी थी ही नहीं। यहाँ तुम्हें संकल्प में कोई भी अछूत विचार को ग्रहण नहीं करना है, और अगर ऐसा कोई कंपेनियनशिप में पड़ जाते हो, कुछ ऐसा कभी चला गया, तो ज्ञान से एकदम स्नान करके खुद को क्लियर कर लो। दिस इज़ व्हाट शिव बाबा हैज़ गाइडेड अस टुडे। ओम शांति।